नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। सुबह मैंने जैसे ही आपको अपडेट दिया कि टीवी एक्टर और बॉलीवुड कलाकार कुशल पंजाबी का 37 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब ऐसे में अपडेट बड़ा ये है कि उन्होंने आत्महत्या की थी और क्यों आत्महत्या की, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है यहाँ। तो ऐसे में मैं आपको अब दिखाऊंगा, जो मुंबई से हमारी संवाददाता जुड़ी हैं वो बताएंगे आपको पूरी डिटेल इस मामले में कि आखिरकार कुशल पंजाबी ने मौत को क्यों गले लगाया। 37 वर्षीय अभिनेता कुशल पंजाबी ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें, कुशल पंजाबी डिप्रेशन से गुजर रहे थे और उन्होंने बीती रात फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त हम बांद्रा में स्थित उनके घर के पास ही मौजूद हैं। इस बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर उनका घर है और सूत्रों की माने तो वो एक बेहद ही डिप्रेशन वाले दौर से गुजर रहे थे और यहीं पर बीती रात उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। और आपको यह भी बता देना चाहेंगे, कुशल पंजाबी ने 9 से ज़्यादा अधिक फिल्मों में बतौर अभिनेता काम कर चुके हैं और ज़्यादा टीवी शोज़ में भी हिस्सा लेकर और कुछ विनिंग रियलिटी शोज़ भी कर चुके हैं। आपको आगे की जानकारी देना चाहेंगे, जब पुलिस यहाँ पर आई और यहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू हुई, कुशल पंजाबी द्वारा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है पुलिस के ज़रिए। और वहाँ पर साफ तौर पर कुशल पंजाबी ने अपने सुसाइड नोट पर यह लिखा है कि उनके आत्महत्या का कारण कोई भी नहीं है, उनके आत्महत्या के बाद किसी को टॉर्चर ना किया जाए। और यह भी जानकारी दी है कुशल पंजाबी ने कि उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा किस में और कितना बंटना चाहिए। आपको बता दें, कुशल पंजाबी का 3 वर्षीय एक छोटा बच्चा भी है और कुशल पंजाबी ने एक यूरोपियन महिला से 2015 में शादी की थी। इसी बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर कुशल पंजाबी रहते थे और उनके माता पिता अंधेरी में लोखंडवाला स्थित वहां का उनका जो घर है वहां पर रहते थे। फिलहाल यहां पर पुलिस मौजूद है और यहां पर पोस्टमार्टम का जो कार्रवाई है ये सब जारी है। आपको बता देना चाहेंगे, जैसे ही यह बात सामने आई, मीडिया तक आई और जैसे ही उनके परिजनों के बीच में आई, सब के बीच एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। टीवी एवं फिल्म इंडस्ट्री से जितने भी उनके जान पहचान के लोग हैं सबने शोक जताया है। उनके जितने भी करीबी एक्टर्स, जो भी उनके दोस्त हैं जैसे चेतन हंसराज, करण पटेल एवं करणवीर बोहरा, सबने शोक जताया है। सबने सोशल मीडिया के जरिए यह शोक जताकर सबको बताया है कि कुशल पंजाबी कितने हसमुख इंसान थे और ज़िंदगी से कितना पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले इंसान ने यह बड़ा कदम उठाया है, जो सबके लिए बेहद ही आश्चर्यजनक बात है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पूरा ब्यौरा दिया कि आखिरकार कुशल पंजाबी काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने 37 साल की उम्र में ही कह दीजिए दुनिया को अलविदा कह दिया और इस वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की। अगर इस पूरे मामले को लेकर कोई अपडेट निकल के आता है तो फिर मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हूँगा। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।